नमस्कार दोस्तों दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम लोग फुल टेस्ट देखेंगे। फुल टेस्ट यह है आपका 11वां है, ठीक है, 11वां फुल टेस्ट आज हम लोग देखेंगे। और आज यह लास्ट फुल टेस्ट है और कल है आपका 14 दिसंबर, 15 दिसंबर को आपका पेपर है। और एक दिन आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए और चीज़ों को रिवाइज़ करिए, करंट अफेयर को रिवाइज़ कर लीजिए, सारी चीज़ों को देखिए, ठीक है, और अच्छे से एग्ज़ाम को दीजिए, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए आज की टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। 150 प्रश्न हैं, थोड़ा सा तेज़ी में चलेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा नहीं है, तो गलत जो सुमेलित है उसको आपको बताना है। तो पहले नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है आपका गलत सुमेलित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कौन सी भूकंपी तरंग पदार्थों की तीनों अवस्थाओं ठोस द्रव गैस से गुजरती है? तो वो कौन सी तरंग होती है आपको बताना है, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, ए सही है, पी तरंग जो होती है वो ठोस द्रव गैस तीनों से गुजरती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो जो नहीं है उसको आपको बताना है। थर्ड का सही उत्तर है ऑप्शन डी सियरा नेवादा, जो है आपका वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जुकू घाटी किस राज्य में अवस्थित है आपको बताना है। चौथा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, नागालैंड में स्थित है जुकू घाटी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, श्रेयस योजना किस संबंधित है? तो पांचवे का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के प्रशिक्षण एवं कौशल विकास से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं, छठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2018 किसे घोषित किया गया है? तो छठवें का सही उत्तर है ऑप्शन ए, नारी शक्ति को घोषित किया गया है। सातवां नंबर क्वेश्चन है, G20 का 14वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो सातवें का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जापान में। चलिए आगे देखते हैं, आपका आठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आपदा उपकर लगाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो आठवें का सही उत्तर ऑप्शन बी, केरल है। नौवां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से साइनोकोबालामिन किसे कहा जाता है? तो नवें का सही उत्तर है ऑप्शन डी, विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। दसवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो, ठीक है, लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है, ठीक है। तो दसवां नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, एंड्रीनेलिन को कहा जाता है। ग्यारहवां नंबर क्वेश्चन है, किसी देर की आर्थिक समृद्धि का उपयुक्त तो मापदंड जो है वह किससे होता है, यह आपको बताना है। तो ग्यारहवीं का सही उत्तर ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति आय से। चलिए आगे देखते हैं, 12वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों में औसतन कम कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का मानक योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है, तो कितने कैलोरी है? ध्यान रखिएगा शहरी क्षेत्रों की बात की जा रही है। तो 12वीं का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2100 कैलोरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 13वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों के निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है? 13वीं का सही उत्तर सी, न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। चलिए आगे देखते हैं, 14वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 14वें का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 918 है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आपका 15वां नंबर क्वेश्चन है, एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो यह आपको बताना है। 15वें का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। 15वें का कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। 16वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा महासचिव किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह आपको बताना है। 16वें का सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष के। चलिए आगे देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जो गलत सुमेलित है उसको आपको बताना है, ठीक है। 17वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 17वें का सही उत्तर है ऑप्शन बी, शेयर बाजार जो होता है आपका संघ सूची का विषय होता है, समवर्ती सूची का नहीं होता है। 18वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल राज्य से स्पर्श नहीं करता है?
तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन बी शाहजहांपुर। 19 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 19 का सही उत्तर है सी 1999 में। चलिए आगे देखते हैं, आपका 20वां नंबर क्वेश्चन है, समाहर्ता शब्द किससे संबंधित है? तो 20 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजस्व विभाग से संबंधित है। 21 नंबर क्वेश्चन है, अनवार ए सुहेली किसका अनुवाद है? तो 21 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंचतंत्र का। चलिए आगे देखते हैं, 22वां नंबर क्वेश्चन है, अधोमुखी निश्चंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो यह आपको बताना है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, 22 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैकाले थे। 23वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में भूमि सुधारों के संबंध में सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो 23 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, लिन लिथिगो, एक आयोग बनाया गया था तो उसने सुझाव दिया था। 24वां नंबर क्वेश्चन है, आंध्र भूमि में कमी हेतु उत्तरदायी कारण क्या है? तो उसको आपको बताना है कारण को। 24 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 25वां नंबर क्वेश्चन है, स्थायी रूप से जल में रहने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन बी, हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है उन्हें। 26वां नंबर क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अल्पता से होता है? तो 26 का सही उत्तर ऑप्शन बी, नाइट्रेट की अल्पता से होता है। चलिए आगे देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के क्रस्ट पर सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व कौन सा है? तो आपको बताना है। 27 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानसूनी वनस्पति नहीं है? 28 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, देवदार जो है मानसूनी वनस्पति नहीं है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो यह आपको बताना है। 29 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्ट्रॉम्बोली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? तो जो नहीं है उसको आपको बताना है। 30 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नुनाटक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो 31 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुजरात में। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है, जो गलत सुमेलित है उसको बताना है। 32 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुनासा जलप्रपात नर्मदा नदी, तो यह आपका सही सुमेलित नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में प्रणाम आयोग का गठन किया गया है? तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, 33 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, असम में। 34 नंबर क्वेश्चन है, औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो 34 का सही उत्तर ऑप्शन बी, असम में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, 35वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 35 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, दूसरा है। 36 नंबर क्वेश्चन है, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। तो 36 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1997 में। चलिए आगे देखते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निर्वाचन आयोग के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? तो ये आपको बताना है। 37 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 8 है। 38 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो 38 का सही उत्तर ऑप्शन सी, वाराणसी शामिल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्रिकेट विश्व कप 2019 विश्व कप का कौन सा संस्करण था? तो यह पूछना है। 39 का सही उत्तर ऑप्शन बी, 12वां था, ठीक है। 40वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूटोरियम किसका समस्थानिक है, यह आपको बताना है। तो 40 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन का समस्थानिक कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, 41वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सफ़ेद तोता या सफ़ेद कशिश किसे कहा जाता है? तो 41 का सही उत्तर है सी, जिंक सल्फेट को। 42 नंबर क्वेश्चन है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? तो 42 का सही उत्तर है ए, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? 43 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अवरक्त विकिरण का। 44 नंबर क्वेश्चन है, हरा सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो 44 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, विश्व बैंक के द्वारा। अब 45वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित निम्न में से
किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो 45 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पिनाकी चंद्र घोष को नियुक्त किया गया है। 46 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत है? 46 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 29.6% है। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कहां पर ग्राम पंचायत है, कहां पर कहां पर ग्राम पंचायत है, तो ये आपको बताना है। 47 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोवा में है। चलिए आगे देखते हैं, 48वां नंबर क्वेश्चन है, अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 48 नंबर क्वेश्चन देखना है, 48 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 248 के तहत। चलिए आगे देखते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिंधी को किस संविधान संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो 49 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? 50 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 20 और 21 को। 51 नंबर क्वेश्चन है, 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना है। तो 51 का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, बलबीर सिंह चौहान है। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निदेशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? ध्यान रखिएगा, नहीं जोड़ा गया, उसकी बात करनी है आपको। 52 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 52 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, समान नागरिक संहिता नहीं जोड़ा गया। चलिए आगे देखते हैं, आपका 53 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कब स्थापित किया गया? 53 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1986 में। 54 नंबर क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो 54 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्रकूटों ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे गंगईकोंड चोल उपाधि किसकी है, तो किस व्यक्ति को दी गई है आपको बताना है। 55 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम को दी गई। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जो गलत सुमेलित है वह आपको बताना है। तो 56 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, दीने इलाही की स्थापना 1853 में नहीं हुई थी, तो यह आपका गलत सुमेलित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 57 नंबर, दीवाने बंदगान किससे संबंधित था? दीवाने बंदगान किससे संबंधित था? 57 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दास विभाग से संबंधित था। 58 नंबर क्वेश्चन है, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 किसके द्वारा पारित किया गया था? तो 58 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन के द्वारा। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सार्जेंट योजना किससे संबंधित है, तो ये आपको बताना है। 59 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिक्षा से संबंधित है। 60 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे सूर्य के प्रकाश को किस में परावर्तित करते हैं? तो 60 का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आपका 61 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, गलत सुमेलित है, उसको आपको बताना है। 61 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, विश्व वन्य जीव कोष न्यूयॉर्क, तो यह कुछ मुख्यालय हैं, तो यह आपका गलत सुमेलित है, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, तो यह आपको बताना है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, 62 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मृत सागर में। चलिए आगे देखते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समिति मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क को पुनरीक्षित एवं सुदृढ़ करने हेतु के उद्देश्य से गठित की गई है? 63 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उर्जित पटेल समिति। 64 नंबर क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो क्या है? 64 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाली ग्रंथ है एक। चलिए आगे देखते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख से कलिंग युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है? तो 65 का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है। 66 नंबर क्वेश्चन है, सतपुड़ा श्रेणियाँ किन दो नदियों के मध्य में अवस्थित है?
तो छाछठ का सही उत्तर ऑप्शन ए नर्मदा और ताप्ती के बीच में स्थित है सतपुड़ा श्रेणी। 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है, आपको बताना है कौन सी गर्म जलधारा है। 67 का सही उत्तर है ऑप्शन डी क्यूरोशियो की धारा जो है वो आपकी गर्म जलधारा है। 68 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, तो 68 का सही उत्तर है ऑप्शन बी मौलिक अधिकारों को, जो भारत के संविधान की जो मौलिक अधिकार का जो भाग है भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। चलिए आगे देखते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो यह आपको बताना है। 69 का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 368। 70 नंबर क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 70 का सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 231 में। चलिए आगे देखते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, तो 71 का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1974 में। 72 नंबर क्वेश्चन है, पौधे किस रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, तो यह आपको बताना है। यह देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, 72 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 73 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये आपको बताना है। 73 का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी वर्ष 2002 में पारित किया गया था। 74 नंबर क्वेश्चन है, सदाबहार वनों की क्या विशेषता होती है, तो ये आपको बताना है। 74 का सही उत्तर है ऑप्शन सी घने वन एवं वृक्षों की बहुरूपता पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं, 75 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर अवस्थित है, तो ये आपको बताना है। 75 का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रयागराज में स्थित है। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातुएं हैं, तो ये आपको बताना है। 76 का सही उत्तर है ऑप्शन सी हीरा और प्लैटिनम। चलिए आगे देखते हैं, 77 नंबर क्वेश्चन है, लोलक की कालावधि किसके ऊपर निर्भर करती है, 77 का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी लंबाई पर निर्भर करती है। 78 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी के किस शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2018 घोषित किया गया है, ठीक है, किस शब्द की बात कही जा रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अलग अलग चीज़ें इसी में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का ही पहले स्टार्टिंग में भी एक प्रश्न आया है, तो ये प्रश्न अलग है, वो प्रश्न अलग है, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन है, 78 का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, टॉक्सिक जो है आपका 2018 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, 79 नंबर क्वेश्चन है, तियान लियन सेकेंड 01 क्या है, 79 का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी यह एक उपग्रह है। 80 नंबर क्वेश्चन है, दीपाली बड़ ठाकुर जिनका हाल ही में निधन हो गया किस राज्य से संबंधित थी, तो 80 का सही उत्तर है ऑप्शन बी यह असम से संबंधित थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 81 नंबर क्वेश्चन है आपका, जागरूक ऐप किससे संबंधित है, तो 81 का सही उत्तर है ऑप्शन बी विद्युत आपूर्ति संबंधित है। 82 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी रिपोर्ट में विश्व में भारत का इस्पात उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो यह आपको बताना है। 82 का सही उत्तर है ऑप्शन ए दूसरा है। चलिए आप चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्फीयर किस देश की अंतरिक्ष विज्ञान योजना है, तो यह आपको बताना है। 83 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, 83 का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अमेरिका की यह विज्ञान अंतरिक्ष विज्ञान की योजना है। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इस्लामिक सहयोग संगठन की विदेश मंत्रियों की 46वीं बैठक कहां पर आयोजित हुई, तो आपको बताना है। 84 का सही उत्तर है ऑप्शन डी अबू धाबी में यह हुई। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं, तो 85 का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी शुक्र और अरुण। चलिए आगे देखते हैं, 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चट्टानों के निर्माण में जैविक अवशेषों का भी योगदान होता है,
86 का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी औसादी चट्टानों में। चलिए आगे देखते हैं, 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, जो गलत सुमेलित है उसको आपको बताना है। 87 का सही उत्तर ऑप्शन सी केंचुआ पालन सेरिकल्चर नहीं होता है, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन है, कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो यह आपको बताना है। 88 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, 88 का सही उत्तर है ऑप्शन ए चिकमंगलूर में स्थित है। 89 नंबर क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या है। 89 का सही उत्तर ऑप्शन बी 11वीं है। चलिए आगे देखते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किस वर्ष तक भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा है, तो 90 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 90 का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, 2024 तक रखा गया है। 91 नंबर क्वेश्चन है, एक परिवार एक नौकरी नामक योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है, तो 91 का सही उत्तर ऑप्शन बी सिक्किम में। 92 नंबर क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग द्वारा देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो 92 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 92 का सही उत्तर ऑप्शन डी गौरी सावंत को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी पहचान के लिए BMD परीक्षण किया जाता है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑस्टियोपोरोसिस की। चलिए आगे देखते हैं, 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, जो गलत सुमेलित है उसको आपको बताना है। 94 का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है, ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 95 का सही उत्तर ऑप्शन ए 1951 में, 1951 में। 96 नंबर क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ होता है, तो 96 का सही उत्तर ऑप्शन डी श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता नहीं होती है। 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, एक सही सुमेलित है उसको आपको बताना है, तो 97 का सही उत्तर ऑप्शन सी राउल केला जर्मनी के सहयोग से बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं, 98 नंबर क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन के चालू खाते में कौन सी मदें शामिल होती हैं, तो आपको बताना है, कोड के माध्यम से उत्तर दीजिए। 98 का सही उत्तर ऑप्शन ए दृश्य एवं अदृश्य। चलिए आगे देखते हैं, 99 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है, तो किसके द्वारा, 99 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। 99 का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा होती है, ध्यान रखिएगा संसद द्वारा होती है, लेकिन किस कंडीशन में होती है उस कंडीशन को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है, एक गलत सुमेलित है उसको आपको बताना है, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 100 का सही उत्तर है ऑप्शन डी अच्युत राय बारबोसा, यह आपका गलत सुमेलित है। 100 नंबर क्वेश्चन है, 101 नंबर क्वेश्चन है, किस अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है, तो 101 का सही उत्तर ऑप्शन बी मास्की अभिलेख में। 102 नंबर क्वेश्चन है, सैंडलर आयोग किससे संबंधित है, तो यह आपको बताना है, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 102 का सही उत्तर ऑप्शन सी शिक्षा से संबंधित है सैंडलर आयोग। 103 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्थायी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित में से कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, तो 103 का सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी किए जा रहे हैं प्रयास। 104 नंबर क्वेश्चन है, सागरी परितंत्र में आहार श्रृंखला किस पर निर्भर करती है, तो यह आपको बताना है। 104 का सही उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 105 नंबर क्वेश्चन है, वह अन्योन्य क्रिया जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है तथा दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है क्या कहलाती है, तो वह क्रिया क्या कहते हैं। 105 का सही उत्तर ऑप्शन बी सहभोजिता कहा जाता है। 106 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सक्षम योजना किस संबंधित है, 106 का सही उत्तर है ऑप्शन ए नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं, 107 नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था, 107 का सही उत्तर है ऑप्शन बी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 108 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, तो जो सही सुमेलित है उसको आपको बताना है। 108 का सही उत्तर है ऑप्शन डी
आपका सही सुमेलित है, बाकी आपके गलत सुमेलित हैं। चलिए आगे देखते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह स्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया, राष्ट्रीय संघर्ष था, तो यह कथन किसका है? 109 का सही उत्तर ऑप्शन सी, बीडी सावरकर का। चलिए आगे देखते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जो गलत सुमेलित है उसको आपको बताना है। 110 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉन नदी कैस्पियन सागर, तो यह आपका गलत है। चलिए आगे देखते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, गलत सुमेलित है उसको आपको बताना है। 111 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, टेम्पोरल जापान, यह आपका गलत सुमेलित है। चलिए आगे देखते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, गलत सुमेलित है, इसको भी आपको बताना है। 112वें का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है आपका, ठीक है, तो यह आपका सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपका 113वां नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाना संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? 113वीं का सही उत्तर ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। 114वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, गलत सुमेलित है, जो उसको आपको बताना है। 114 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार उपसमिति जो है वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, तो ये आपका गलत सुमेलित। 115 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राज्य सूची के विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद को कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो यह आपको बताना है। तो यह आर्टिकल 249 में वर्णित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मिजोरम राज्य के विशेष संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उल्लेखित है? तो 116 का सही उत्तर ऑप्शन बी, आर्टिकल 371 जी में। 117 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, गलत सुमेलित है, उसको आपको बताना है। तो 117 का सही उत्तर ऑप्शन डी, पारा त्वचा, तो ये आपका गलत सुमेलित है। 118 नंबर क्वेश्चन है, निम्न वायु प्रदूषकों में से किसकी हीमोग्लोबिन से संयोजन क्षमता ऑक्सीजन से अधिक है? तो 118 का सही उत्तर ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड की। 109 नंबर क्वेश्चन है, पौधे अपनी जड़ों द्वारा फास्फोरस किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो यह आपको बताना है। 119 का सही उत्तर ऑप्शन बी, आर्थोफास्फेट के रूप में। 120 नंबर क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक होता है? 120 का सही उत्तर ऑप्शन बी, पोटेशियम। 121 नंबर क्वेश्चन है, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयोग में लाया जाता है? तो 121 का सही उत्तर ऑप्शन सी, टेट्रा एथिल लेड प्रयोग में लाया जाता है। 122 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में रीफ फॉर लाइफ, ठीक है, थीम के तहत कोरल रीफ की स्थिति और संरक्षण पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? 122 का सही उत्तर ऑप्शन बी, लक्षद्वीप में हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 123 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसे नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है? 123 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुधीर भार्गव को। 124 नंबर क्वेश्चन, जलवायु जोखिम सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान है? 124 का सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, ठीक है, 14वां स्थान है। चलिए आगे देखते हैं। आपका 125वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 23वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो यह आपको बताना है। 125 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुनील अरोड़ा को। 126 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित किए गए? तो 126 नंबर क्वेश्चन है, 126 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 127 नंबर क्वेश्चन, चोल काल में ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था, तो आपको बताना है। 127 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ब्रह्मदेह। 128 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर लोकसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो यह आपको बताना है। 128 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 128 का सही उत्तर ऑप्शन बी, लद्दाख है। चलिए आगे देखते हैं। 129 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई?
तो 129 का सही उत्तर ऑप्शन ए महाराष्ट्र से। 130 नंबर क्वेश्चन है आपका, ड्यूरालुमिन के निर्माण में कौन सी धातु शामिल नहीं होती है, तो ये आपको बताना है। 130 का जो सही उत्तर ऑप्शन डी जिंक शामिल नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं, 131 नंबर क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो 131 का सही उत्तर है ऑप्शन बी ऊतकों का। 132 नंबर क्वेश्चन है, साइक्लोनाइट क्या है, 132 का सही उत्तर है ऑप्शन डी विस्फोटक है। 133 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है। 133 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 133 का सही उत्तर है ऑप्शन बी ऊर्जा पिरामिड का। चलिए आगे देखते हैं, 134 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया, तो 134 का सही उत्तर ऑप्शन ए नरक्षय ने। 135 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो 135 का सही उत्तर ऑप्शन ए ग्रामीण स्वच्छता। 136 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम कब पारित हुआ, 136 का सही उत्तर ऑप्शन डी 2006 में। 137 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार सकल राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है, तो 137 का सही उत्तर है ऑप्शन सी 3.4% है, ठीक है, जो 18-19 का पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, डेट ध्यान रखिएगा आप लोग, 19-20 का नहीं है। 138 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 138 का सही उत्तर ऑप्शन बी 17.5। 147 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 139 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, 11.45% की वृद्धि हुई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 140वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस पवन को डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है, तो 140 का सही उत्तर ऑप्शन ए हरमट्टन हवा को। 141 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है, तो 141 का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी पो नदी को कहा जाता है इटली की गंगा। 142 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी, तो 142 का सही उत्तर ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक द्वारा। 143 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विदेशी यात्री विजयनगर काल में भारत नहीं आया था, तो 143 का सही उत्तर ऑप्शन सी निकोलाओ मनुची। चलिए 144 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, 144 का सही उत्तर ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, अध्यक्ष की बात कही जा रही है। 145 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन जंगलों को पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के नाम से जाना जाता है, तो 145 का सही उत्तर ऑप्शन सी अमेजन वर्षावनों को पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के नाम से जाना जाता है। 146 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत निम्न में से किस मंडल से अवस्थित है, 146 का सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है समताप मंडल में। 147 नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य के राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य का सातवां अंग है, 147 का सही उत्तर है ऑप्शन डी मित्र। 148 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्रकृति संरक्षण के लिए विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है, तो 148 का सही उत्तर ऑप्शन ई ऑप्शन ए विशाल पांडा। 149 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट कहां पर स्थित है, तो 149 का सही उत्तर ऑप्शन बी नई दिल्ली में स्थित है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और दोस्तों इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर पीसीएस एकेडमी सर्च करिए, टेलीग्राम पर जैसे ही पीसीएस एकेडमी सर्च करेंगे तो एक चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर सारी की सारी पीडीएफ आप लोगों को मिलेंगी, ठीक है। चलिए आज का 150वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत किस देश से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीद रहा है, तो 150 का सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी सही है, ठीक है, रूस से खरीद रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, और अच्छे से इस बार एग्ज़ाम को दीजिए आप लोग, टेस्ट सीरीज़ आप लोगों ने बहुत अटेम्प्ट करी है, और अच्छे से ईमानदारी से आप लोग
पढ़ाई करके और अच्छे से एक दिन बचा हुआ है, आप जितना रिवीजन कर सकते हैं कर लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।